गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 10 क्लास 5th पार्ट 10 पढ़ेंगे। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे हिंदी में, जिसका नाम है पार्ट का मेहनती बालक। एक गांव में श्यामू नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था। कभी वह किसी के पशुओं की देखभाल करता तो कभी किसी के खेत की रखवाली करता। इस प्रकार वह मेहनत करके अपने गुजर बसर के लायक पैसे कमा लेता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन श्यामू ने सोचा, मुझे अपने गांव के जमींदार से भेंट करनी चाहिए। सुना है कि वे बड़े नेक दिल और भले इंसान हैं। उनके यहाँ काम करके मैं निश्चिंता से अपना जीवन गुजार सकता हूँ। वे मेरी मेहनत से खुश भी होंगे। उससे अपने साथियों से इस बारे में पूछा तो सबने कहा, तुम चाहो तो उनके यहाँ नौकरी कर सकते हो। श्यामू ने कहा, लेकिन उनका गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। मेरे पास तो वहां तक जाने के लिए पैसा भी नहीं है। उनके साथियों ने कहा, तुम मेहनती हो, रास्तों में लोगों का काम करते हुए जाओ, तुम्हें खाने को रोटी मिलती रहेगी और रहने को ठिकाना। कुछ दिनों बाद तुम उनके गांव पहुंच जाओगे। वहां पहुंचने पर किसी से उनका पता पूछकर उनके घर पहुंच जाना, वहां नौकरी मिल ही जाएगी। साथियों की बातें सुनकर श्यामू बहुत उत्साहित हुआ। वह एक दिन जमींदार के गांव के लिए रवाना हो गया। कई दिनों की यात्रा और मार्ग में श्रम करते रहने के बाद वह जमींदार के गांव के पास पहुंचा। वह बहुत थक चुका था। और उसे प्यास भी लगाई थी। उसकी निगाह एक औरत पर पड़ी जिसके सिर पर पानी का घड़ा रखा था। उसने उस औरत से कहा, माँ मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बड़ी जोर की प्यास लगी है। औरत ने पानी पिलाते हुए प्यार से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? श्यामू ने उसे अपने गांव का नाम और अपने आने का उद्देश्य बताया। तब उस औरत ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पति जमींदार के अस्तबल के निरीक्षक हैं, वे तुम्हें उसके यहाँ नौकरी अवश्य दिला देंगे। श्यामू बहुत खुश हुआ और उस औरत के साथ साथ उसके घर चला आया। दूसरे दिन वह उसके पति के साथ अस्तबल में गया। वहाँ बहुत से घोड़े थे। श्यामू भी निरीक्षक के साथ घोड़ों की देखभाल करने लगा व उन्हें खिलाने पिलाने लगा। एक दिन श्यामू घोड़ों को खाना खिला ही रहा था कि वहां मोती जड़ा चौंगा पहने एक सुंदर और रोबीला व्यक्ति आया। उसके साथ बहुत से लोग थे। श्यामू समझ गया कि ये ही जमींदार है। उसने झुककर जमींदार को अभिवादन किया। जमींदार से निरीक्षक से पूछा, यह लड़का कौन है? निरीक्षक बोला, महाराज यह अनाथ है, पहले किसी गांव में रहता था, इसने आपकी तारीफ सुनी थी इसलिए यहाँ चला आया। फिर जमींदार से पूछा, इसकी उम्र क्या होगी? यही 17-18 वर्ष की होगी महाराज, देखने में तो यह चुस्त और मेहनती मालूम पड़ता है। श्यामू जमींदार के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मुझे जमींदार को कुछ भेंट करना चाहिए। उसकी जेब में 1 रुपया था। उसने 2 रुपया निकालकर जमींदार के सामने रख दिया और बोला, महाराज मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। जमींदार श्यामू की चतुराई और विनम्रता पर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, इस रुपये को मेरी तरफ से अपने पास रखो और मुझे इसका सदुपयोग करके दिखा। उस दिन शाम को घर लौटने पर श्यामू ने सोचा, मुझे 1 रुपये का क्या मिलेगा, लेकिन मैं इसे समझदारी से खर्च करूंगा। कई दिन तक श्यामू यह निश्चित नहीं कर पाया कि वह 1 रुपये से क्या खरीदे। तभी एक दिन उसकी निगाह एक दुकान पर पड़ी जिसमें फलों व सब्जियों के बीज बिकते थे। एक बूढ़ा व्यक्ति दुकान पर बैठा था। उसके पास तरह तरह के बीजों से भरी छोटी छोटी थैलियां रखी थी। कुछ टोकरियों में गाजर के बीज पड़े थे तो कुछ में सेम के। मोहन ने उसे बूढ़े आदमी से कहा, बाबा मुझे 1 रुपये के कुछ गाजर और कुछ सेम के बीज दे दो। बूढ़े व्यक्ति ने श्यामू की बात सुनकर कुछ सोचकर गाजर और सेम के बीज की 2 छोटी थैलियां श्यामू को दे दी।
अस्तबल निरीक्षक के घर में श्यामू ने 20 बोने लायक जमीन तैयार की और उसमें 20 बो दे दिए। पौधे उगने के बाद उसने उनकी सिंचाई और निराई गुड़ाई की। कुछ समय बाद जब गाजरें और सेम खाने लायक हो गईं, तो उसने कुछ लाल गाजरें और हरी सेम बांस की छोटी सी टोकरी में सजाकर रखी और जमींदार के पास ले गया। देखो आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, यहाँ पर जमींदार लाल लाल गाजरों और हरे सेमों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने श्यामू से पूछा, तुम्हारे पास ताजी सेम और लाल गाजरे कहाँ से आई? वह बोला, महाराज आपके द्वारा दिए हुए रुपए से मैंने गाजर सेम के 20 खरीदे और जमीन तैयार करके वो दिए। सिंचाई और देखभाल करने के बाद ये खेतों से निकली है। उनमें से कुछ अच्छी लाल गाजर और हरी सेम चुनकर मैं आपके पास लाया हूँ। श्यामू का उत्तर सुनकर जमींदार बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, मुझे तुम जैसे मेहनती और चतुर लड़के की बहुत आवश्यकता है। अगले दिन से ही श्यामू जमींदार के यहाँ काम करने लगा। वह मेहनत से काम करता और सबको खुश रखता। जमींदार के यहाँ अन्य काम करने वाले भी उससे प्रसन्न रहते थे। दिनों दिन उसका विश्वास उस पर बढ़ता गया। जब वह बड़ा हुआ तो जमींदार ने उसे अपने विश्वास पात्र सहयोगियों में स्थान दिया। इस पाठ को हमने पढ़ा, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिली कि मेहनत और ईमानदारी के द्वारा निश्चित ही अपने भाग्य को संवारा जा सकता है। कैसा लगा हमारा ये पाठ? सभी को अच्छा लगा होगा ना? इसका नाम था मेहनती बालक। ओके स्टूडेंट एंड गुड बाय।